हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सबलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होने वाला है। रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आखिरी वीडियो आज के दिन का डाउ जोन्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो डाउ जोन्स आप देख सकते हो नियर बाय 1% की तेज़ी दिखा रहा है। अभी फिलहाल 371 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है। बीच में 400 प्लस था, फिर देन अगेन फटाक से यहाँ पे ऊपर से 100 पॉइंट नीचे आया था, फिर वापस रिकवरी देखने को मिले। ये ड्रामे तो यहाँ पे चलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ तो रहने वाली है, आप सभी लोगों को पता ही है, अगले हफ्ते जो FOMC की बैठक रहेगी वो। नैसडेक की बात करेंगे, नैसडेक भी कुछ सेम 0.73% के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं हमारे ADR के ऊपर, तो इन्फोसिस का ADR थोड़ा सा ये डाउन है। ICICI बैंक का ADR भी सेम कुछ वैसा ही है। HDFC बैंक का ADR थोड़ा सा ऊपर। विप्रो के ADR की बात करें तो अच्छा कर रहा है, 3.25% ऊपर। देन यात्रा ऑनलाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 0.25% की तेज़ी। डॉक्टर रेडीज़ की बात करेंगे तो 0.5% ऊपर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे नज़ारा टेक के साथ। यस, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम लोग बात करें, बैक टू बैक 2 दिन लगातार अच्छी खबरें देखने को लैंड। इसी चीज़ के चलते 5 दिन में स्टॉक 13% के करीब तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिल चुका है। आज के दिन की खबर क्या है दोस्तों? तो खबर आप सभी लोगों को, ये कंपनी ने का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पोकरबाजी। यस दोस्तों, पोकरबाजी की जो पेरेंट कंपनी है मूनशाइन टेक्नोलॉजी, उसमें नज़ारा टेक ने 48% स्टेक खरीद लिए हैं। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी खरीद लिया, आप ऐसा भी चाहो तो कह ही सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो जैसे हम लोग को डील होते हुए देखने को मिली, काफ़ी बड़ी डील रही है। अगर डील का डेटा मैं अगर आपके सामने रख दूँ तो 832 करोड़ के आसपास की ये डील हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है, ट्रांजेक्शन की बात करें तो। ठीक है, तो ये जो मूनशाइन है, या फिर आप चाहो तो MTPL, ये भी नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये अल्टीमेटली पोकरबाजी के पेरेंट कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने स्टेक यहाँ पे खरीदा। एंड इनिशियल स्टेज की अगर बात करें तो शुरुआत में 150 करोड़ प्राइम कैपिटल यहाँ पे मूनशाइन का इनको मतलब इंजेक्ट यहाँ पे करेंगे, तो उनका जो कंपलसरी जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे वो हम लोग को इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी का डेटा बाद में देखने को मिल जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा शॉकिंग बात ये है दोस्तों कि ये जो गेमिंग गैम्बलिंग वाली कंपनी है, सभी के ऊपर 28% का जो GST है वो लग रहा है। ठीक है, 28% का GST लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला इम्पैक्ट था, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक उन्होंने GST मांगा है, वो अभी भी पेंडिंग है। उसके बावजूद नज़ारा टेक ने इतना बड़ा यहाँ पे डील यहाँ पे किया है, तो एक देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज अभी भी अगर देखा गया तो क्लैरिटी अभी तक आती हुई देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज ये मैटर कोर्ट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ठीक है भाई, इतना बड़ा डील कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई प्रॉपर डेटा तो रहेगा ही रहेगा, शायद से इतना पैसा उनको नहीं भरना होगा करके, देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। देन बात करेंगे दोस्तों तो जोमैटो, आज के दिन तो चलो 3.5% से ज़्यादा गिर गया, बट हम कह सकते हैं जेफरीज़ ने भी इनके टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए हैं 23%। अभी भी जेफरीज़ भी एक्सपेक्ट करता है कि जोमैटो ऊपर यहाँ पे चल सकता है करके। ठीक है, एंड जो टारगेट की बात करें 335 के आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी आगे यहाँ पे इस टारगेट को हिट यहाँ पे कर सकती है। रिसेंटली UBS ने भी इनसे रिलेटेड एक अच्छी कॉमेंट्री यहाँ पे दी थी। एंड हर किसी का एक ही कहना है भाई कि ब्लिंकिट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ब्लिंकिट के वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी करके। बट हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि आपने अपडेटेड रहना चाहिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या नज़र आ रही है, ये जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनी है, जेप्टो, ब्लिंकिट, ठीक है, डंजो की अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार की जो कंपनी जो कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में यहाँ पे आ जाती है, इनमें और किराना स्टोर में ज़बरदस्त हम लोग को, आपको बोल सकते हैं बिजनेस लेवल का झगड़ा देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी सारे किराना स्टोर्स वाले अभी सरकार के पास रिक्वेस्ट लेकर जा चुके हैं कि इन क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज़ के ऊपर कुछ तो आप रूल लेके आओ, रेगुलेशन लेके आओ, कंट्रोल लेके आओ, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारा किराना का जो बिजनेस है उसको भी ये पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच में हम लोगों ने ये खबर भी सुनी थी कि ये जो सारी चीज़ें ऑन टेबल तो है रिपोर्ट के जरिए, बट अभी तक कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया है। बट यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट जारी है कि किराना स्टोर्स वाला जो बिजनेस है उनको बचाने के लिए सरकार ने क्विक कॉमर्स सेक्टर को रेगुलेट करना चाहिए, ऐसी खबरें यहाँ पे फिलहाल तो सामने आई थी। अभी ऑफिशियली करते हैं नहीं करते वो देखने वाली बात होगी, एंड अगर करते हैं तो किस हद तक करेंगे वो भी देखने वाली बात है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा अगर रूल्स रेगुलेशन सख्त अगर कुछ कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली इनके बिजनेस के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। तो इस चीज़ के चलते आप लोगों ने जोमैटो का स्टॉक प्रॉपरली फोकस में यहाँ पे रखना है। देन बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बारे में, HAL की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से HAL को ये साल ख़त्म होते होते महारत्न PSU का स्टेटस शायद से मिल सकता है करके।
ठीक है। अभी आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के स्टेटस होते हैं, मिनी रत्न स्टेटस होता है, ठीक है, नवरत्न स्टेटस होता है, एंड उसके ऊपर रहता है महारत्न स्टेटस, ठीक है। सो ये जो स्टेटस यहाँ पे रहता है इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, ये स्टेटस सरकारी कंपनीज को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, एंड वो कैसे मिलते हैं, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे मैंने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। लाइक अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ का यहाँ पे होना चाहिए, उसी के साथ एवरेज एनुअल नेट वर्थ की बात करें 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड उसी के साथ साथ कंपनी का एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ का होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ये सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही डेटा चाहिए, एंड 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 लिखा हुआ है, और वो भी 3 साल अगर कंपनी लगातार ये परफॉर्मेंस दिखा रही है तो ऐसे कंपनी को महारत्न स्टेटस यहाँ पे दिया जाता है। सो अगर ऐसा स्टेटस अगर कंपनी को यहाँ पे मिला तो हम कह सकते हैं कंपनी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें रिप्लेसमेंट करने के लिए कोई भी यहाँ पे हम लोगों को मॉनिटरी साइकिलिंग देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, प्लस कैसा होता है कि सरकार से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है, तो कुछ लेवल तक वो परमिशन भी उनको रिक्वायर्ड नहीं होती, एक सर्टन अमाउंट होता है 5,000 करोड़ तक, 6,000 करोड़ तक खुद से कर सकते करके, तो फटाफट डिसीजन लेना वो स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास फिलहाल तो 13 महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि भेल है, BPCL है, कोल इंडिया, गेल, HPCL, इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, सेल, REC, PFC एंड रिसेंटली ऑयल इंडिया हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये 13 कंपनी है। उसके बाद HAL का भी नाम शायद से यहाँ पे आ सकता है, ऐसी बातें फिलहाल तो बाजार में चल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो रिसेंटली आपको बताइए हिंडनबर्ग ने सबसे पहले जो बीच में यहाँ पे बोला था कि हम लोग कोई तो ट्वीट करेंगे करके कमिंग सून इंडिया ऐसा कुछ तो बोला था, और उन्होंने सेबी चीफ के ऊपर बहुत सारे डार्क एलिगेशंस लगाए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कल के दिन की भी बात करें तो वापस अदानी ग्रुप के ऊपर भी एलिगेशन लगा दिए स्विस अकाउंट को लेकर, ठीक है। देन उन्होंने वापस उसके पहले वापस सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए उससे रिलेटेड सेबी चीफ का कोई जवाब नहीं आ रहा करके। तो आज के दिन की बात करें दोस्तों तो सेबी चीफ के द्वारा यहाँ पे हम लोगों को जवाब आते हुए देखने को मिल चुका है। तो सेबी चीफ ने यहाँ पे जो नए फ्रेश एलिगेशंस यहाँ पे लगाए थे उससे रिलेटेड फ्रेश स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने जारी किया है कि जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो टोटली फॉल्स है एंड मैलिशियस है, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं वो मोटिवेटेड भी है। सो उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंटली उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं, फॉल्स नैरेटिव यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है उनके ऊपर एंड उनके स्पाउस के ऊपर, ये फिलहाल तो चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है, तो ये टोटली मिसलीडिंग है उनके ओर से, हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे NBFC की बात यहाँ पे होंगी, तो RBI ने यहाँ पे एक बहुत ही सख्त कदम यहाँ पे उठाया है कि RBI ने कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन कितने 4 NBFC का, एंड उसी के साथ साथ 13 other NBFC से उनका जो सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है वो भी उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो कौन कौन से NBFC है जिनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल आउट होते हुए देखने को मिला है, तो एक नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, भारतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करके जो राजस्थान बेस है, देन KS फाइनेंस लिमिटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, जो कि शायद से MP में हम लोग को रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ बिल्डकॉन फाइनेंस लिमिटेड करके देखने को मिल रहा है जो कि रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में, एंड उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग लीज एंड हायर परचेस कंपनी लिमिटेड जो कि तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, ये 4 NBFC के हम लोगों को कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन RBI ने कैंसिल यहाँ पे कर लिए है, ये फिलहाल तो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, कोई भी शेयर बाजार में लिस्टेड तो यहाँ पे है नहीं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो बड़े लेवल के NBFC है उनके लिए अच्छी बात यहाँ पे रहती है कि अच्छे NBFC में जाओ, वहाँ पे आपको नो डाउट थोड़ा सा कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी मिल जाएगी, बट वहाँ पे प्रॉपरली RBI के कंट्रोल होते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में NBFC जो अच्छे वाले NBFC है उनके लिए बिजनेस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। देन दोस्तों बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट बोनस इस प्रकार की चीज़ें बाजार में चलती रहती हुई देखने को मिलती है। अभी ये कंपनी आप देख सकते हो 10 का फेस वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब 1 के बदले 10 शेयर होंगे, बट शेयर का प्राइस भी आपको डिवाइड बाय 10 होते हुए देखने को मिलेगा। एक्स डेट आप देख सकते हो 19 सितंबर दिया हुआ है, तो उसके अगला ट्रेडिंग सेशन पे अगर कोई शेयर खरीदेगा तो उनको वो शेयर मतलब एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे स्प्लिट के लिए, 15-20 दिन के बाद शेयर अकाउंट में आ जाएंगे, बट बोनस बायबैक स्प्लिट के लिए कभी भी शेयर खरीदना होता नहीं है, मैंने काफ़ी बार समझाया। कंपनी कौन सी है, नंदन डेनिम लिमिटेड NDL की बात करें तो 65 रुपये का स्टॉक है, बट आप चार्ट पैटर्न इसका देख सकते हो भाई, ये कोई कंसिस्टेंट वाला स्टॉक है नहीं, एकदम ज़ोरदार तेज़ी आती फिर गिर जाता है, ठीक है, और ऊपर से अगर आप देखोगे कंपनी केवल 900 करोड़ की है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे भयंकर लेवल पे आप लोगों को
ऑपरेटर देखने को शायद से मिल सकते हैं, सिर्फ प्रमोटर देखने को मिल रहे एंड पब्लिक है, कोई यहाँ पे FISDS देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो संभल कर रहना दोस्तों, इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें चलती है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 64% के आसपास थी, जो कि बीच में ही अभी 58 हुई थी, और वो भी 34% 40%, मतलब पब्लिक को ही माल यहाँ पे बेचा गया था। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते, ठीक है, आप लोगों ने थोड़ी बहुत सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। आपको जाना है तो आप जा सकते हो भाई, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्ज़ी। बट अगेन कह रहा हूँ, बिजनेस देखकर ही सारी चीज़ें देखनी होती है। इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन देखकर अगर आप डिसीजन लोगे तो ऐसे लिस्ट काफ़ी लंबी रहेगी। आपको ऐसे में और 10 स्टॉक दिखा दूँ जिसमें इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।